अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे सभी दोस्तों को भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी दोस्त भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, सबका शौक भी दोस्तों अच्छा जा रहा होगा। जी दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि सर्दियों की आमद आमद है, मौसम चेंज हो रहा है। काफ़ी सारे दोस्त भाई मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके ये पूछ रहे हैं कि कबूतरों की पोर्ट जाम हो रही है, कबूतरों की पोर्ट बंद हो रही है, तो उसके लिए क्या इलाज किया जाए। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो ये इसके ऊपर बात करेंगे कि पोर्ट क्यों बंद हो रही है, वजह क्या है। पहले वजूहात के ऊपर बात करेंगे, फिर आपको मैं इंशाल्लाह ताला इसका शर्तिया इलाज बताऊंगा। इंशाल्लाह कबूतरों की पोर्ट जाम जो है, बंद जो है, वो खुल जाएगी इंशाल्लाह ताला, और आपके कबूतरों के हाजमे बेहतरीन हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों, इसकी वजूहात में सबसे पहले ये है कि जैसा कि आपको पता है कि जब सर्दियां होती हैं दोस्तों, हर जानदार की खुराक जो होती है ना, वो बढ़ जाती है। ठीक है, कोई इंसान हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी परिंदा हो, उसकी खुराक जो होती है ना, वो बढ़ जाती है। ठीक है, चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, बकरियां, गाय, भैंस, कबूतर, मोर, हर चीज़ की खुराक बढ़ जाती है, इंसानों की खुराक भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें यह है कि आपको अगर तो आप दो टाइम अपने कबूतरों को दाना डालते हैं, ठीक है, उसमें यह कि सुबह हल्का फुल्का अपने कबूतरों को दाना डाल दिया करें मुनासिब सा रख के। सेकेंडली आपने ये करना है कि शाम के टाइम 2 बजे का टाइम रख लें या 3 बजे का टाइम रख लें, उसमें आपने उसी टाइम पे ही डेली अपने कबूतरों को दाना डालना है। ठीक है, और पैमाने के हिसाब से आप अपने कबूतरों को दाना डाला करें। कोई भी एक बर्तन सेलेक्ट कर लें कि यार इस बर्तन में मेरे 50 कबूतर हैं, 10 कबूतर हैं या 100 हैं, आपने उसकी कैलकुलेशन निकालनी है कि यार मेरे कबूतर इतना दाना आराम से खा लेते हैं और 24 घंटे सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, असल में होता यह है कि हम लोग सुबह भी अपने कबूतरों को रजा के दाना डाल देते हैं और शाम के टाइम भी जो है अपने कबूतरों को दाना बहुत ज़्यादा रजवा डाल देते हैं, डालते जाते हैं वो खाते जाते हैं, डालते जाते हैं वो खाते जाते हैं, इससे बड़े मसाइल जो हैं दोस्तों पैदा हो जाते हैं। अपने कबूतरों को पैमाने के हिसाब से दाना डाला करें। कोई भी बर्तन जो आपके पास ईजी अवेलेबल हो, आप उसकी कैलकुलेशन निकाल लें। बच्चे निकले हुए हैं तो आपने बच्चों के हिसाब से दाना डालना है, अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर आपने कम दाना डालना है। ठीक हो गया जी। तो अक्सर औकात ये होता है कि हमारे दोस्त भाई शकीन ये कहते हैं कि जी दाना तो ठीक डाल रहा है लेकिन फिर भी मसाइल आ रहे हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें दोस्तों, मैंने टाइमिंग का जिक्र किया, तो टाइमिंग इस हवाले से बहुत ज़रूरी है कि आज आपने दाना 2 बजे डाला है तो कोशिश करें कि कल भी 2 बजे डालें, परसों भी 2 बजे डालें। ठीक है, एक टाइमिंग के हिसाब से आप चलेंगे इंशाल्लाह ताला, आपके परिंदे जो हैं बीमार नहीं होंगे, और पैमाने के हिसाब से आपने दाना डालना है, आपके कबूतर इंशाल्लाह ताला तंदुरुस्त रहेंगे, फिट रहेंगे, बीमार नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। उसके अलावा एहतियाती तदाबीर ये हैं कि एक टाइमिंग में जब फ़र्क आता है आपका परिंदा जो है ना, जब वो टाइम होता है दाने का, उससे टाइम ओवर होता है, आपका परिंदा क्या करता है, बीठे खानी शुरू कर देता है। जब बीठे खानी शुरू कर देता है फिर आपके कबूतर अंदर से ख़राबी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जब ख़राबी की तरफ दोस्तों जाते हैं तो फिर इनमें ये अंदर से पहले कमज़ोर होते हैं, उसके बाद ये वायरस में चले जाते हैं, जैसे कमज़ोर हो के लकवा झोला इस सूरत में चले जाते हैं। तो जब आप टाइमिंग की तरफ चले जाएँगे, ग्रामिंग की तरफ चले जाएँगे, तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला आप ख़ुद इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। ठीक है, 3 इलाज मैं आप दोस्तों भाइयों के साथ शेयर करूँगा, तीनों आजमाए हुए हैं, आप लोग इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला, दुआ में याद रखिएगा, ये आपको इतना अच्छा फ़ायदा देगा। फ़र्ज़ करें आपके कबूतर की पोर्ट जाम हो गई है, आपने उसको मुंह से सूंघना है, पहले चेक करना, आपने देखा वो सुस्त है, सुस्त को चेक किया उसके मुंह के अंदर से अगर तो आपको स्मेल आ रही है, दोस्तों उस कबूतर को पलटा लें, नरम हाथ से रख के पलटा के आपने देसी पहले नुस्खा शेयर करूँगा, उसके बाद फिर मैं मेडिसिन की तरफ जाऊंगा। जी दोस्तों, पहले देसी नुस्खा शेयर करूंगा, उसके बाद फिर मेडिसिन का आपको नुस्खा बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपने कबूतर की पोर्ट को पलटा लिया, पलटा लेने के बाद आपने चीनी लेनी है, चीनी वाइट शुगर आपने लेनी है, उसका पाउडर कर लें, बारीक पाउडर, जितना ज़्यादा बारीक होगा उतना अच्छा है, बारीक पाउडर कर लें उसका। उसकी आपने ये 2 उंगलियों वाली चुटकी ले कर वो उसके मुंह में डाल लेनी है। दूसरी जो चीज़ आपने दोस्तों लेनी है वो आपने
गुलाब का अरक लेना है। गुलाब का अरक इंग्लिश में वाटर रोज, रोज वाटर भी कहते हैं उसको, और अरबी में उसको कहते हैं माल वर्द। ठीक है, अपनी अपनी ज़ुबान के हिसाब से आप जो भी इसको कहते हैं वो देख लीजिएगा आप। चीनी की एक चुटकी आपने लेके उसके गले में डाल देनी है। उसके बाद आपने 3 cc लेना है गुलाब का अरक, उसमें आपने 2 cc पानी शामिल करके अपने कबूतर को दे देना है चीनी का पाउडर देने के बाद। ठीक है, 8 घंटे उसको खाने पीने को कुछ नहीं देना। इंशाल्लाह ताला 8 घंटे के बाद आपका कबूतर जो है दाना पानी मांगेगा। आपने मुनासिब सी मकदार में उसको दाना डालना है और पानी जितना वो पी सकता है अपनी खुशी से वो पिए। इंशाल्लाह ताला आपका कबूतर ठीक हो जाएगा। एक नुस्खा ये है। दूसरे नंबर पे जो नुस्खा है ये एलोपैथिक है, आप इसको भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला ये भी बड़ा कारगर है। हम एक अरसे से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत कारामद ये नुस्खा है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 25 गोलियाँ आपने लेनी है सोडा मिंट की, 25 गोलियाँ। ठीक है, एक गोली आपने लेनी है नोविडेट 500 मिलीग्राम वाली। तीसरे नंबर पे जो आपको चीज़ चाहिए वो फ्लैजल का सिरप है दोस्तों। सोडा मिंट की गोलियां और नोविडेट की जो 500 मिलीग्राम वाली गोलियां, ये आपने खरल के अंदर बिल्कुल पाउडर करके बारीक से बारीक आपने पाउडर करना है। पाउडर करने के बाद खाली बोतल आपने लेनी है 1/2 लीटर वाली, जो भी आप कोक पेप्सी वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको अच्छे तरीके से धो के ये वाला पाउडर आपने उस बोतल के अंदर डाल लेना है। उसके बाद आपने जो सिरप है फ्लैजल का वो उसमें ऐड कर देना, वो तकरीबन 25% तक वो भर जाएगी। 75% आप देखते हैं कि जब आप बोतल लेते हैं वो 75% तक फिल होती है। 25% मेडिसन और ये सिरप के साथ होगी। उसके बाद आपने उसमें 50% पानी शामिल करना है कि वो ऊपर से इतनी कम हो, तकरीबन 2 इंच कम हो। ठीक है, अच्छे तरीके से उसको शेक कर लें दोस्तों, हिला के अच्छी तरह से हिला के उसको आप कबूतर की पोड को पलटा लें। उसके बाद आपने 3 cc ये वाला पानी लेना है और 2 cc सादा पानी मिक्स करके अपने कबूतर को दे दें। पोड पलटाने के बाद इंशाल्लाह ताला आपका कबूतर इससे भी ठीक हो जाएगा। और तरीकाकार वही है कि पलटाने के बाद ये मेडिसिन देनी है। मेडिसिन देने के बाद आपने 8 घंटे तक उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देना, ना खाने के लिए देना ना पीने के लिए देना। जी दोस्तों, ये हो गया, दो नुस्खे हो गए। तीसरे नंबर पे जो आपने करना है, आप देखते हैं कि यार आप अपने कबूतरों को, जी दोस्तों, एहतियाती तौर पे अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप देखते हैं कि आपके काफ़ी कबूतर जो हैं पोटा जो है जाम कर रहे हैं, हाजमे की वजह से डिस्टर्ब है, तो दोस्तों उसका इलाज भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। बड़ा आजमूदा है, बहुत अच्छा है। फिर आप देखते हैं कि आपका कबूतर सुस्त हो रहा है, पोट जाम कर रहा है और उसको बुखार जो है, बुखार भी फील हो रहा है और टांगें जो है उसकी वो टांगों पे बैठता है वो। ठीक है, इस बीमारी को दोस्तों पैराटाइफाइड की बीमारी कहते हैं। इसका अगर इम्पोर्टेड इलाज करना है तो 4-in-1 बहुत अच्छा है, 5-in-1 इसके लिए बड़ा अच्छा है। अगर आपके पास ये इजी अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप एक काम कीजिएगा, 4 सिरप हैं, 4 मैं बता देता हूँ, वो आपको ईजीली मिल जाएंगे। किसी भी अच्छे स्टोर से ले लें जिस पे आपका एतमाद है कि यार ये यहाँ से मेडिसिन अच्छी मिलती हैं, तो आप उस मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, उस फार्मेसी से ले सकते हैं आप। पहले नंबर पे आपने लेना है हैपामर्स का सिरप लेना है। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे ब्रूफिन का सिरप लेना है DS। फिर आपने लेना है वाइटालिन L लेना है। ठीक है, उसके बाद जो आपने सिरप लेना है वो है मेटोडाइन DF। ये 4 सिरप आपने ले लेने हैं, आपको ये इजी मिल भी जाएंगे। चारों अच्छे तरीके से मिक्स करके किसी भी एक बोतल के अंदर रख लें। रखने के बाद जो आपने देखा कि आपका कबूतर जो सुस्त लग रहा है आपको, आपने 1 लीटर पानी के अंदर सारों को एहतियाती तौर पे भी आप करवा सकते हैं, ज़्यादा कबूतर डिस्टर्ब हैं तो 1 लीटर पानी के अंदर आपने 10 cc ये वाले मिक्स किए हुए सिरप जो है ना ये ऐड कर देने हैं। और 3 दिन का आपने कम से कम कोर्स करवाना है। अगर आप ज़्यादा करवाना चाहते हैं तो फिर आप 5 दिन का कोर्स करवा लीजिएगा। 3 दिन से 5 दिन आपने ये वाला कोर्स करवाना है। इंशाल्लाह ताला आप खुद देखेंगे, पहले दिन इस्तेमाल करवाने के बाद आपके परिंदे आपको बेहतर नज़र आएंगे, दूसरे दिन और बेहतर नज़र आएंगे, तीसरे दिन और बेहतर, इसी तरह आपके परिंदे बेहतरी की तरफ जाएँगे। दोस्तों, इसमें से अक्सर ये हैपामर सिरप जो है ये शॉर्ट हो जाता है,
हेपामर्स शॉर्ट हो जाता है, आपने टेंशन नहीं लेनी, हेपामर्स की जगह पे आपने ट्रेसोरिक्स ले लेना सिरप, ठीक है। ट्रेसोरिक्स सिरप ले लें हेपामर्स की जगह पे, अगर आपको हेपामर्स नहीं मिलता उसका तरीकाकार भी यही है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो दोस्तों ये पोट बंद के हवाले से आज की वीडियो थी, तो मैंने कोशिश की कि जो वजूहात हैं वो भी आपके साथ शेयर कर सकूँ, जो इलाज हैं वो भी आपके साथ शेयर किए हैं। आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको इस नुस्खे का कितना फ़ायदा हुआ है। शौक की बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप दोस्तों भाइयों के प्यार की ज़रूरत है, वो आपने सब्सक्राइब की सूरत में दिखाना है और वीडियो को लाइक करके शेयर करके दिखाना है, ठीक है। कल की जो दोस्तों वीडियो होगी वो कबूतर के पलटाने के ऊपर होगी। आज कबूतर की पोट बंद का इलाज बताया, कल कबूतर के पलटाने के ऊपर जो है वीडियो बनेगी, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा अपने भाई को और हम आप भी अस्सलाम वालेकुम कर दो सबको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त, ठीक ठाक हैं? हाँ जी। जी दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी आपका दोस्त आपका भाई आपसे ही ज़्यादा चाहेगा। अल्लाह हाफिज़।